लॉरेंस बिश्नोई ने इस बार एनआईए के सामने एक ऐसा खुलासा करा जिस खुलासे के बाद एनआईए का दिमाग खराब हो गया। अब दोस्तों बड़े बड़े नेताओं का हालत खराब होने वाला है। यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद बड़े बड़े नेताओं का उल्टा गिनती शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आज के मौजूदा वक्त में लॉरेंस बिश्नोई कहाँ पर है, उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का मदद करता है, उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई का सनकी साथी गोल्डी बराड किस तरह से अपराध कर रहा है, इसके बारे में क्या क्या खुलासा हुआ है, एक एक करके तमाम बातों का जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हम देंगे। तो मेरे दोस्त आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों, और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को दिल से सलाम। चलो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको हम एक एक करके तमाम बातों का जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा धीरे धीरे सोशल मीडिया पर बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर भारत के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि नंबर वन पर चल रहा है। आपको बता दूं उत्तर भारत के अंदर लॉरेंस बिश्नोई खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। आपको ये भी बता दूं दोस्तों अपराध की दुनिया एक ऐसी काली दुनिया है जिस दुनिया में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, जो चाहे ये लोग वो कर देता है। आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ धीरे धीरे जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से बार बार पुलिस वालों को बदनाम होना पड़ रहा है, और इस बार दोस्तों जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने खुलासा करा है, तो ऐसा क्या कह दिया लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए को कि एनआईए का भी दिमाग खराब हो गया। दरअसल दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना है कि अब ये धमकी का दुकान खोल रखा है। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि बड़े बड़े नेता खुद से ही फोन करके कहते हैं कि तुम मुझे धमकी दो। अब दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई ने जब ऐसा बात बोला उसके बाद तो एनआईए का दिमाग ही खराब हो गया। एनआईए अब ये बात सोचने को विवश हो चुकी है कि किस तरह से उन नेताओं को गिरफ्तार करा जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों आज से पहले कोई भी ऐसा गैंगस्टर पूरे इतिहास में नहीं हुआ जिस गैंगस्टर ने पुलिस वालों के सामने ये कहा हो कि मुझे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि मुझे धमकाओ। अब दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना है कि बड़े बड़े नेता इसको इसलिए फोन करके कहते हैं मुझे धमकाओ ताकि उन नेताओं को धमकी के बाद सुरक्षा मिल सके, ताकि उन लोगों को पुलिसिया व्यवस्था मिल सके। आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि पब्लिसिटी के लिए या फिर सुरक्षा के लिए वो जो है इस तरह का हरकत कर रहे हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा करा है कि बड़े बड़े नेता इनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हें करोड़ों रुपये दूंगा लेकिन बदले में तुम मुझे धमकाओ। आप सोच सकते हो दोस्तों आज के समय में किस तरह से नेता लोग पूरी तरह से करप्ट हो चुके हैं। एक तो वैसे ही दोस्तों बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो कि सही काम करते नहीं हैं, बाकी आप दोस्तों आप सोच सकते हो किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों का इस्तेमाल करा जा रहा है। बहुत सारे नेता हैं जो कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए या फिर सरकारी सुरक्षा पाने के लिए वो लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों का इस्तेमाल कर रहा है। बताया जाता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सामने जब लॉरेंस बिश्नोई ने अपना मुंह खोला उसके बाद तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का दिमाग ही हिल गया। वैसे आपको बता दूं दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई कभी भी इतना आसानी से मुंह नहीं खोलता, ये कोई भी राज इतना आसानी से नहीं उगलता। लेकिन हाँ ये बार बार देखा जाता है दोस्तों कि जब भी ये कुछ बोलता है तो उसमें बिल्कुल भी किसी तरह का कोई गलत चीज देखने को नहीं मिलता। ये जो भी बोलता है दोस्तों ऐसा बात बोलता है कि जिसमें कोई ना कोई तर्क हो, और इस बार जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि नेताओं के द्वारा खुद से ही कॉल करा जाता है और कहा जाता है कि मुझे धमकाओ। अब दोस्तों इसके बाद बताया जा रहा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले को गृह मंत्रालय तक पहुंचा दी है। अब बताया जा रहा है इस मामले में गृह मंत्रालय भी आगे एक्शन ले सकती है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये आता है दोस्तों कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा करा है तो इस खुलासे के बाद नेताओं का हित होगा या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अहित होगा, वो आपको हम आगे बताएंगे। इससे पहले आपको हम बताते हैं लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल कहाँ है और इसके बारे में क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त पंजाब पुलिस की हिरासत में है। हाँ ये बात सच है दोस्तों कि कुछ समय पहले आप लोगों को खबर लगी थी कि लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात से दिल्ली लाया गया था। ये बिल्कुल सही बात था दोस्तों, जब लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात से दिल्ली लाया गया था तब कहा जा रहा था कि इसे तिहाड़ जेल के अंदर रखा जाएगा। बाद में दोस्तों तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट ने खुद ही कहा कि लॉरेंस को हम अपने जेल के अंदर नहीं रखेंगे, तो बाद में दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन बाद में दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई को पुनः एनआईए ने गिरफ्तार कर ली और उसे दिल्ली से पंजाब ले जाया गया है। बताया जाता है फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के बठिंडा जेल में है। बताया जाता है दोस्तों बठिंडा जेल के अंदर ही उसने इस तरह का खुलासा करा है। लॉरेंस बिश्नोई ने साफ साफ कहा है कि नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे धमकी दो। अब भाई आप लोग खुद ही सोचो कि ये गैंगस्टर कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है, अब तो नेताओं को भी लगने लग चुका
चुका है कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम बढ़ रहा है और अब किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोच सकते हो दोस्तों, अब नेता लोग कितना हद तक नीचे गिर चुका है। जब तक नीचे नहीं गिरा तब तक वो लोग इस तरह का हरकत कर कैसे रहा है। लेकिन अब दोस्तों सबसे अहम सवाल यह आता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई उन नेताओं का नाम बताएगा जिन नेताओं ने इससे ऐसा कहा है। तो दोस्तों बताया जाता है इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई ने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। इसने मोटा मोटी तौर पर यह कहा है कि बहुत सारे नेता जो कि इसको कहते हैं कि मुझे धमकाओ। अब देखते हैं दोस्तों आखिरकार NIA लॉरेंस बिश्नोई से उगलवा पाती है या फिर नहीं उगलवा पाती है। बाकी दोस्तों मुझे लगता है अगर उन नेताओं के बारे में NIA को पता लग जाए कि ऐसे कौन कौन नेता है जो कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टरों के नाम पर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है, तो उन नेताओं के बारे में अगर पता लग जाएगा दोस्तों तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों आपको हम ये बताते हैं कि यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है इससे किस तरह से नेताओं का हानि होने वाला है। अब देखो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई ने जो कहा है कि नेता लोग खुद कहते हैं कि मुझे धमकाओ, तो इससे नेताओं को क्या परेशानी होगा। इससे परेशानी यह होगा दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई मान लो यदि किसी नेता को ऐसे भी धमकी देता है, वो नेता अगर पुलिस वालों को कहेगा कि मुझे लॉरेंस बिश्नोई धमका रहा है, तो अब तो दोस्तों ये बात निकल चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि नेता लोग खुद बोलते हैं कि मुझे धमकी दो। तो दोस्तों जब वो नेता शिकायत करेगा कि मुझे धमकाया जा रहा है, उस नेता की शिकायत से पहले नेता के ऊपर छानबीन करा जाएगा, उस नेता के घर में छानबीन करा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा कि ये नेता सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब देखो दोस्तों जब तक लॉरेंस बिश्नोई ने इन सब बातों का खुलासा नहीं करा था, जब तक इसने ये बात नहीं बोला था कि नेता लोग मुझे कहते हैं कि खुद से धमकाओ, खुद ही धमकाओ, तब तक दोस्तों नेताओं पर संदेह नहीं किया जाता था। लेकिन अब जब भी कोई नेता धमकी के बारे में कहेगा कि मुझे धमकाया जा रहा है, मुझसे फिरौती मांगा जा रहा है, तो उस नेता पर संदेह होगा पुलिस वालों को। तो नेताओं के ऊपर पहले संदेह नहीं होता था लेकिन अब संदेह होगा। तो लॉरेंस बिश्नोई ने इस बार ऐसा बयान दे दिया है दोस्तों कि बड़े बड़े नेताओं का वाट लगने वाला है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से धमकी खा चुके हैं। लेकिन आगे देखते हैं दोस्तों अब किस नेता को धमकी मिलता है। सूत्रों के हवाले से बताया जाता है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग प्रत्येक महीना 2.5 करोड़ का वसूली करता है। आप सोच सकते हो दोस्तों जो गैंग करोड़ों में खेल रहा हो वो गैंग कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। वैसे बताया जाता है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संचालन आज के समय में गोल्डी फरार करता है, क्योंकि वैसे भी लॉरेंस बिश्नोई तो हमेशा पुलिस की हिरासत में ही रहता है। उसको तो जेल में समय गुजारने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है कि वो बाहर कुछ कर पाए। तो बाहर में दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जो ऑपरेट कर रहा है वो कर रहा है गोल्डी बरार। आप देख सकते हो दोस्तों यही है गोल्डी बरार। आपको बता दूं हाल ही में गोल्डी बरार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो सलमान खान को तो मार ही देगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों गोल्डी बरार के बारे में बताया जाता है उसके बारे में अभी भी पुलिस वाले जाँच पड़ताल कर रहे हैं और गोल्डी बरार के बारे में जोर शोर से पता लगाया जा रहा है कि वो फिलहाल कहाँ है। आपको बता दूं गोल्डी बरार ने खुद ही इंटरव्यू में कहा था कि वो कहाँ है नहीं है, वो इस बात की जानकारी किसी को नहीं देना चाहता। वैसे आपको बता दूं दोस्तों गोल्डी बरार के बारे में कहा जाता है कि ये फिलहाल जितना भी फिरौती का रुपया आता है उन रुपयों से ये खतरनाक हथियार खरीदता है। बाकी दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाले जितने भी बदमाश हैं उन बदमाशों को भी ये तनख्वाह देता है। बताया जाता है गोल्डी बरार प्रत्येक महीना उन बदमाशों को वेतन भेजता है। आप सोच सकते हो दोस्तों जिस तरह से लोगों को सरकारी नौकरी मिलता है तो सरकार उनको वेतन देती है, उसी तरह से दोस्तों गोल्डी बरार भी ऐसे बदमाशों को वेतन देता है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। तो फिलहाल आपको बता दूं गोल्डी बरार के बारे में सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तों कि अब तक गोल्डी बरार पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। बाकी देखते हैं दोस्तों कब तक गोल्डी बरार को पुलिस पकड़ पाती है। लेकिन कुछ समय पहले गोल्डी बरार ने खुद ही एक बयान में कहा था कि मैं खुद को गोली मार लूंगा लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। तो गोल्डी बरार ने जो कहा था गोल्डी बरार का कहना सच होता है या फिर पुलिस वालों ने जो कहा था कि गोल्डी को पकड़ेंगे तो पुलिस वाले सही बोल रहे हैं या फिर गोल्डी बरार सही बोल रही है, तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसके अलावा आपको हम बताते हैं दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाले बदमाश जो कि किस तरह से अब लॉरेंस बिश्नोई का मदद कर रहा है। आपको बता दूं आज के वर्तमान समय में बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अंदर तकरीबन 700 मेंबर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आपको बता दूं उन 700 मेंबर्स में बताया जाता है वो 700 जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बताया जाता है उन 700 मेंबर्स के द्वारा देश के अलग अलग जगहों पर कई तरह का कांड करा जाता है। कुछ समय पहले दोस्तों गोल्डी बरार ने यह भी कहा था कि हमारा कनेक्शन आतंकवादियों के साथ नहीं है। कुछ समय पहले लॉरेंस बिश्नोई ने भी NIA के सामने कहा था कि मेरा कनेक्शन आतंकवादियों के साथ नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि मैं अगर काम आऊंगा तो देश के अच्छे कामों में मेरा नाम आ सकता है लेकिन देश के खिलाफ जाने वाली चीज़ों में मेरा नाम नहीं आ सकता। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि भले ही मेरे ऊपर आतंकवादी एक्ट लगाया जाए लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं कभी भी खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करता, आतंकवादियों का समर्थन नहीं करता। तो चलो ठीक है दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई आतंकवादी और खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करता, चलो ठीक है एक पल के लिए मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों NIA को जो संदेह है
उस संदेह को कौन मिटा पाएगा। बाकी आपको बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाले जितने भी बदमाश है, अब वो लोग किस मेथड से काम कर रहा है, जरा उस बात को आप लोग समझो। आपको बता दूं दोस्तों, पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से किसी भी आदमी को धमकी दिया जाता है, मैक्सिमम जो धमकी दिया जा रहा है दोस्तों वो दिया जा रहा है गोल्डी बरार के नाम पर। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, हाल ही में गोल्डी बरार ने सिंगर हनी सिंह को जान से मारने का धमकी दिया था और हनी सिंह से 50 लाख रुपये का डिमांड करा था। उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई ने भी दिल्ली के कारोबारी से 5 करोड़ का फिरौती मांगा था। तो दोस्तों ये सारा का सारा चीज जो कि सोशल मीडिया पर काफी चला, चारों तरफ ये खबर जो कि परोसा गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार, या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाले और वो भी ऐसे बदमाश जो कि विदेश में रहते हैं, ये लोग दोस्तों केवल और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से फिरौती मांगता है। लेकिन जिससे फिरौती मांगा जाता है दोस्तों, वो अगर फिरौती नहीं देता तो ऐसे लोगों के घरों पर या फिर ऐसे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाने का काम करता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश। तो इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाले बदमाश जो कि लॉरेंस बिश्नोई का मदद कर रहा है, तो आपको बता दूं दोस्तों ये गैंग जो कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। वैसे भी आपको बता दूं, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई ने खुद ही खुलासा करा है कि अब ये धमकी देने का दुकान खोल रखा है, इसके बाद से तो एनआईए की टीम जो कि हैरत में पड़ चुकी है। फिलहाल बताया जाता है दोस्तों, ये मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो कि गृह मंत्रालय तक पहुंचा दी है और इस मामले में गृह मंत्रालय भी आगे बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल पंजाब पुलिस की हिरासत में है, ये फिलहाल पंजाब के बठिंडा जेल के अंदर बंद है और अभी भी इससे पूछताछ करा जा रहा है। उसके अलावा गोल्डी बरार अभी भी विदेश में है, इसके बारे में कोई भी अता पता नहीं है कि फिलहाल ये किस देश में छिपा हुआ है। उसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भी धमकी देने के बाद से फरार है, उसके बारे में भी अब तक पता नहीं लग पाया है कि वो कहाँ छिपा हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों आगे पुलिस वाले क्या कर पाते हैं। लेकिन जिस तरह से एनआईए को एक बहुत बड़ा इनपुट मिला है, इनपुट ये मिला है दोस्तों कि अब नेता लोग खुद ही कहते हैं कि मुझे धमकाओ, तो अब एनआईए के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन नेताओं को गिरफ्तार करा जाए जिन नेताओं के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई से कहा जाता है कि मुझे धमकी दो। अब देखते हैं दोस्तों कब तक उन नेताओं का पर्दाफाश हो पाता है। बाकी अगर लॉरेंस बिश्नोई खुद ही बता दे कि वो नेता कौन कौन है तो एनआईए आसानी से ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेगी, ऐसे नेताओं को गिरफ्तार कर लेगी, दबोच लेगी। तो देखते हैं आगे लॉरेंस बिश्नोई और भी मुंह खोलता है या फिर नहीं खोलता है। बाकी लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए को एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी यदि दोस्तों आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हो कि क्या मैं किसी गैंगस्टर का समर्थन करता हूँ, तो मेरे भाई मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ, मैं किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता, ना मैं किसी गैंग का समर्थक हूँ, ना मैं किसी गैंगस्टर का समर्थक हूँ। केवल और केवल आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को देखना अच्छा लगता है तो मैं भी सोचता हूँ कि चलो ठीक है बना ही डालता हूँ। तो वीडियो डेली बनाना मेरा काम है, आप लोगों तक खबर पहुँचाना मेरा काम है, जिसको कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से कर रहा हूँ। जो भी खबर आती है मैं आप लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। बाकी आशा करता हूँ दोस्तों कि इस तरह की खबरों को देखने के बाद आप लोगों के अंदर एक नया तरह का जानकारी आता होगा। बाकी दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लोग किसी भी अपराधी की वीडियो को देखने के बाद आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। अपराधियों से प्रभावित मत होना, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। और यदि आपका कोई भी दोस्त है जो कि गैंगस्टर बनना चाहता है, डॉन बनना चाहता है, माफिया बनना चाहता है, तो ऐसे दोस्तों को समझाओ कि मेरे दोस्त इस तरह का हरकत मत करो। ऐसे दोस्तों को बोलो कि भाई अगर इस तरह का हरकत करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरह से आप लोगों को समझाते रहो, लोगों को मोटिवेट करते रहो। बाकी मैं मोटिवेट करता हूँ इस चीज़ के लिए कि लोग अच्छा काम करें, अच्छा रास्ता चुने। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना, इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारियाँ दे रही थी मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिया, जो भी ताज़ा खबर था मैंने आप लोगों तक पहुँचा दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना। अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करना। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाकी अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, गलत लोगों के चक्कर में मत फंसना, अच्छे से रहना, देश का काम करना, देश के विरुद्ध कोई काम मत करना। जय हिंद।